हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो गाइज, अब ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, कोऑर्डिनेट एसेंड एल्गोरिथम का नॉलेज है हमारे साथ और हमें अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि अब हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वही सेम काम करते हैं गाइज अभी तक हम, कि हम कोऑर्डिनेट एसेंट का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी कि हमारा अगर डुअल लग्रांजियन फंक्शन एन वेरिएबल्स का फंक्शन है तो एन में से सिर्फ एक लैम्डा वन को हम चेंज करते हैं और बाकी सारे के सारे लग्रांजियन मल्टीप्लायर्स को कांस्टेंट रख देते हैं। मान लीजिए कि हमने सारे लग्रांजियन मल्टीप्लायर्स की जो इनिशियल वैल्यू ली थी गाइज वो ज़ीरो थी, मतलब लैम्डा वन से लेकर के लैम्डा एन इनिशियल इक्वल टू जीरो, और अभी हम लैम्डा वन इनिशियल को चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें अपने हर लग्रांजियन मल्टीप्लायर को इस तरीके से चेंज करना है जिससे कि जो डुअल लग्रांजियन फंक्शन है वो अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लें, एंड एट द सेम टाइम ये जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं, दो सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वॉयलेट नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट ब्रेक। तो नाउ चलिए काम करते हैं, ग्रेडियंट एसेंट एल्गोरिदम का अपडेट लगाते हैं इसके ऊपर, यानी कि लैम्डा वन इनिशियल जीरो प्लस एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू को आप थोड़े समय के लिए 0.1 मान लीजिए, और मान लीजिए गाइज ये वैल्यू आती है evaluated at lambda 1 equals to lambda 1 initial, यानी कि derivative लिया आपने dual Lagrangian function का, उसका जो भी formula निकल के आया उसमें आपने lambda 1 की जगह पे zero value plug in कर दी, और guys आपके इस derivative का answer मान लीजिए आ रहा है 20, तो 0.1 into 20 हो गया आपका 2, 2 plus 0 हो गया आपका 2, यानी कि lambda 1 final को हमने update कर लिया, मतलब 2 पे हम अपडेट करना चाहेंगे लैम्डा 1 को। बट अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एंड गाइस इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रेंट 1 है वो एंश्योर करता है कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, यानी कि लैम्डा 1 सी 1 विल बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस समेशन n इक्वल्स टू 2 टू n लैम्डा n सी n। ये रिजल्ट हमने कैसे निकाला, बहुत आसान है गाइस, ये हमारा पूरा सम था, इस पूरे सम में से हमने लैम्डा 1 सी 1 अलग कर लिया, n इक्वल्स टू 2 टू कैपिटल n लैम्डा n सी n इक्वल टू 0, इस समेशन को उधर सेंड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि जो ये हमें अपडेट करने नहीं दे रहा कि हम लैम्डा वन फाइनल की वैल्यू को 2 पे अपडेट नहीं कर पा रहे, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, ये क्यों नहीं करने दे रही है चीज़ हमको ऐसा। चलिए गाइस देखते हैं कि ये क्यों हमें ऐसा नहीं करने दे रही, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम अपनी इस इक्वेशन को दोनों साइड सी वन से मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि सी वन यहाँ पे सी वन यहाँ पे, तो सी वन इंटू सी वन हो जाएगा गाइस प्लस वन, प्लस वन इंटू लैम्डा वन इज लैम्डा वन, तो गाइज लैम्डा वन इक्वल्स टू माइनस सी वन समेशन एन इक्वल्स टू 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 एन लैम्डा एन सी एन। ओके, ये सिनेरियो बन जाता है गाइज। तो अब जो है गाइज ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन आ रही है हमारे पास, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम कर पा रहे हैं। क्या है गाइस वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कि लैम्डा वन की जो वैल्यू है वो बाकी सारे लैम्डास पे डिपेंड कर रही है, और अगर हमने बाकी सारे लैम्डास को भी फिक्स रखा हुआ है, यानी कि 2 से लेकर के n के बीच के जो लैम्डास हैं उनको तो अभी हमने चेंज भी नहीं किया है, उनको तो हमने लैम्डा n इनिशियल पे ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ लैम्डा वन को चेंज कर रहे हैं ना,
तो बाकी सारे लैम्डास को तो हमने चेंज किया नहीं है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि लैम्डा वन इक्वल टू सम कांस्टेंट है अभी, क्योंकि सम के अंदर के जितने भी लग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं वो सब अभी कांस्टेंट है, वो सब अभी हमने फिक्स रखे हुए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा वन इक्वल टू कुछ फिक्स क्वांटिटी आ रही है जो चेंज नहीं हो सकती। तो आप एक ऐसी चीज को कैसे चेंज कर सकते हो जो चेंज ही नहीं हो सकती, ओके, विदाउट वायलेटिंग द कंस्टेंट? क्या मतलब हुआ इसका? चलिए गाइस मैं आपको बताता हूं क्या मतलब हुआ। अगर हम लैम्डा वन इनिशियल को नहीं चेंज करते तो गाइस ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते थे, लैम्डा वन इनिशियल इक्वल्स टू माइनस सी वन समेशन आई इक्वल्स टू 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 एन लैम्डा एन और लैम्डा आई इनिशियल इनटू सी आई, ये लिख सकते थे। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड बराबर हो रही हैं, क्योंकि लैम्डा वन इनिशियल भी जीरो है और जितने भी लैम्डास थे वो सारे के सारे अंदर जीरो थे, दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, कंस्टेंट मीट हो रहा है, कंस्टेंट वॉयलेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम सिर्फ लैम्डा वन इनिशियल को लैम्डा वन फाइनल पे चेंज करते हैं, जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि लैम्डा वन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर की जितने भी लैम्डाज हैं वो भी हमने फिक्स रखे हुए हैं, हमने उनको हम चेंज नहीं होने दे रहे, वो सब कांस्टेंट रखे हुए हैं हमने, तो लैम्डा वन एक कांस्टेंट आएगा। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट रहनी चाहिए उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो? लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना फर्स्ट कंस्टेंट वॉयलेट कर दोगे। क्यों, कैसे? चलिए दिखाता हूँ गाइस मैं कैसे। लैम्डा वन को तो अब आपने क्या बना दिया, लैम्डा वन फाइनल बना दिया। लैम्डा वन फाइनल कितना आ रहा है गाइज, टू आ रहा है। लेकिन बाकी के जो लैम्डाज हैं वो तो अभी भी फिक्स हैं, वो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर यहाँ पे टू आ रहा है लेकिन राइट हैंड साइड में आपका आंसर जीरो आ रहा है, तो ये बराबर हो ही नहीं रहा। इसका मतलब गाइज ये जो कंस्ट्रेंट है ये ब्रेक हो गया, लेकिन कंस्ट्रेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसका मतलब ये है कि हम एक लैम्डा को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब लैम्डास को फिक्स रखते हुए हम एक लैम्डास को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कंस्ट्रेंट वन वॉयलेट हो जाएगा इन अवर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ओके। तो गाइज ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ब्रिक है, ओके, जिससे आप घर बनाते हो, ब्रिक्स, ये एक ब्रिक है, इसका एरिया जो है वो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 50 सेंटीमीटर है, एरिया इज 15 × 100, दैट्स 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि आप दोनों में से लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक चीज ही चेंज कर सकते हो, लेकिन एरिया जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गाइस क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको एक ब्रिक का जो एरिया है उसे कांस्टेंट रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों में से किसी एक चीज को ही चेंज कर सकते हो, दोनों को चेंज नहीं कर सकते? तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक चीज को चेंज रखते हुए भी एरिया को कांस्टेंट रख लो? ओके, इज इट पॉसिबल गाइज? ओके, नहीं है गाइज ऐसा पॉसिबल, ओके, क्योंकि अगर आप अपने ब्रिक की लेंथ को इंक्रीज करते हो गाइज, आपने अपनी ब्रिक की लेंथ को अगर 2 टाइम्स किया है तो ऑब्वियस ही बात है गाइज एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए आपको अपनी विड्थ को हाफ करना पड़ेगा, ताकि दोनों के बीच का प्रोडक्ट वापस से 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप अपने ब्रिक की लेंथ को और इंक्रीज कर देते हो, डबल कर देते हो, और डबल कर दिया आपने, 200 से 400 कर दिया, तो गाइज आपको अपनी विड्थ को भी फिर और आधा करना पड़ेगा, ताकि अभी भी दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आना चाहिए, क्योंकि एरिया हमें कांस्टेंट रखना है ना, हमने कंस्टेंट रख दिया है कि एरिया हैज़ टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा। एक को चेंज करने से काम नहीं चलेगा, एक को अगर आप चेंज करते हो तो कांस्टेंट एरिया का कंस्टेंट वायलेट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एरिया को कांस्टेंट रखना है तो आपको दोनों वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा। एक में चेंज करने से कांस्टेंट वायलेट हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रख पाओगे आप एरिया। ओके, सो इट मींस उसी तरीके से गाइस, अगर हमें अपनी इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हम चाहते हैं कि हमारा जो सम है वो हमेशा इक्वल टू जीरो रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे, तो वो कांस्टेंट सम वाला जो कंस्ट्रेंट है गाइस, वो हम तभी वॉयलेट होने से रोक सकते हैं जब हम अपडेट करें एटलीस्ट दो लगरांजे मल्टीप्लायर्स। जब हम एटलीस्ट दो लग्रांजे मल्टीप्लायर्स अपडेट करें, एक को एक बार अपडेट ना करें, एट अ टाइम एक लग्रांजे मल्टीप्लायर को अगर आप अपडेट करोगे तो कंस्टेंट वॉलेट होगा ही होगा। एट अ टाइम अगर आप एक सिर्फ ब्रिक की एक चीज को वेरी करोगे तो कंस्टेंट वॉलेट होगा ही होगा, कॉन्स्टेंट एरिया नहीं रख पाओगे। उसी तरीके से एट अ टाइम अगर आप किसी एक लग्रांजे मल्टीप्लायर को चेंज करोगे तो इस सम को जीरो नहीं रख पाओगे, कंस्टेंट वॉलेट होगा ही होगा। आपको कम से कम दो को अपडेट करना पड़ेगा एट अ टाइम, ताकि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते रहें। ओके गाइस, तो अब हमने अपने एक्शन प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं कि हम अब कम से कम दो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को चेंज करेंगे। ओके, और गाइस यही चीज जो अब हम अपने कोऑर्डिनेट एसेंट एल्गोरिदम में एक लग्रांजे मल्टीप्लायर को चेंज करने की बजाय दो लग्रांजे मल्टीप्लायर चेंज करेंगे, यही चीज हो जाती है हमारी एसएमओ एल्गोरिदम, सिक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेट एसेंट एल्गोरिदम में, जहां पे हम जनरल केस में, मतलब जब हमारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में, जब हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है, तो वहां पे जनरल केस में हम एट अ टाइम एक लग्रांजे मल्टीप्लायर को बदल रहे थे, यहां पे हम एट अ टाइम एक पेयर को बदलेंगे। ओके, वी विल चेंज अ पेयर। ठीक है, अब गाइस यही जो चेंज हमने किया है अपने कोऑर्डिनेट एसेंड एल्गोरिथम में, जहां पे एक वेरिएबल को चेंज करने की बजाय उनका पेयर चेंज होगा, एंड एट द सेम टाइम जो मैक्सिमम प्रोग्रेस करने वाली कंडीशन है वो भी यूज होगी हमारी, और इसी एल्गोरिथम को अब हम कहेंगे सिक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट एसेंट एल्गोरिथम, जहां पे आप एक वेरिएबल की बजाय एक पेयर ऑफ वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हो, वो भी ऐसे दो वेरिएबल्स को या ऐसे पेयर ऑफ वेरिएबल्स को जिनको बदलने पर आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक प्रोग्रेस करने की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा हो, ऐसे दो वेरिएबल्स को आप बदल रहे हो, इसी एल्गोरिथम को हम कहते हैं सिक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अब हमारा सिक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, जैसा कि यार गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वाइल लूप है जो फॉर एवर रन करेगा, जो तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक कन्वर्जेंस अचीव नहीं हो जाती है। अब आप एक पेयर चूज करोगे लग्रांजे मल्टीप्लायर्स का, यानी कि एक नहीं, अब आप दो लग्रांजे मल्टीप्लायर चूज करोगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट वॉलेट नहीं करना है। ठीक है, और वो जो दो लग्रांजे मल्टीप्लायर होंगे गाइस, वो ऐसे दो लग्रांजे मल्टीप्लायर होंगे दैट विल अलाउ अस टू मेक द बिगेस्ट प्रोग्रेस टूवर्ड्स द ग्लोबल मैक्सिमम, यानी कि जिनके अंदर बदलाव करने से हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने की जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ऐसे दो लग्रांजे मल्टीप्लायर्स को हम चूज करेंगे। फिर हम अपने उनकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो हम अपने फंक्शन के अंदर वापस प्लग इन कर देंगे, बाकी सारे लग्रांजे मल्टीप्लायर्स को कांस्टेंट रखेंगे,
और फिर दोबारा से हम कोई दूसरे दो लैग्रांजे मल्टीप्लायर चूज करेंगे, फिर उनको अपडेट करेंगे ताकि कंस्ट्रेंट वॉलेट ना हो। सो गाइज, अगर हम थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो थ्योरी में ये है हमारा सम एल्गोरिथम, बट अब हम इसको ओपन करके देखेंगे गाइज कि इन दो स्टेप्स में क्या हो रहा है मैथमेटिकली। लेट्स सी। तो कन्वर्जेंस चेक करने का यहां पे जो तरीका है गाइज वो थोड़ा सा अलग है। यहां पे हमारा फंक्शन जो होगा वो गाइज वो तब कन्वर्ज नहीं करेगा जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कन्वर्ज करेगा, बट द कंडीशंस आर डिफरेंट हियर। यहां पे गाइज हमारे कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है वो होगी केकेटी कंडीशन, सेटिस्फाई होने के चांसेस। यानी कि अगर हमारी केकेटी कंडीशंस कुछ टॉलरेंस के अंडर सेटिस्फाई हो रही हैं तो गाइज हमारा एल्गोरिथम कन्वर्ज कर जाएगा, यानी कि एसएमओ एल्गोरिथम स्टॉप कर जाएगा कि अब सारी केकेटी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, रुक जाओ। यानी कि ये एल्गोरिथम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स के लिए सारी केकेटी कंडीशंस मीट नहीं हो जाती। ओके, टॉलरेंस की वैल्यू यूजली हम लोग 0.01 से लेकर के 0.0001 तक लेते हैं। गाइज ये वही टॉलरेंस है जो आप ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में एब्सोल्यूट वैल्यू के समय पर लिया करते थे। यानी कि इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन माइनस फाइनल वैल्यू ऑफ नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो ये जो एप्सिलॉन है गाइस, एप्सिलॉन नहीं कहना चाहिए मेरे को, इसको टीओएल कहना चाहिए। यूजली इसको मैं टीओएल की तरह मेंशन करता हूँ, दैट्स टॉलरेंस। इसकी वैल्यू यूजली 0.01 से लेकर के 0.001 तक लेते हैं हम गाइस। तो ये वही टॉलरेंस है जो हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में इस स्टेप पे लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम केकेडी कंडीशंस के लिए ले रहे हैं। ओके, दैट्स क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने एसएमओ एल्गोरिथम को मैथमेटिकली समझना कि हमारे पास कुछ इनिशियल वैल्यूज़ हैं हमारे सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की जो सेकंड और फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, और गाइज जो बेस्ट वैल्यू इनिशियल हो सकती है वो ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लैम्डा 3 से लेकर के लैम्डा एन तक के जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स थे उनको फिक्स मान लिया है। सिर्फ जो हमारे स्टार्टिंग के जो दो लैग्रांजे मल्टीप्लायर थे उनको हम चेंज करने जा रहे हैं, फिर हम किन्हीं दूसरे दो लैग्रांजे मल्टीप्लायर को चेंज करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। तो गाइस देखते हैं, अगर हमने एक सिंगल आइट्रेशन में, फॉर लूप के आइट्रेशन में, अगर हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को चूज किया है तो अब इन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के साथ इन दो स्टेप्स में क्या होगा, और जो चीज़ गाइस इन दो स्टेप्स में हो रही होगी वही फिर रिमेनिंग पेयर्स के साथ भी होगा, और फिर ऐसे ही आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा। तो गाइज हम सिर्फ एक आइट्रेशन देखने जा रहे हैं यहाँ पे एसएमओ एल्गोरिथम की, और यही आइट्रेशन बार बार बाकी के पेयर्स के साथ होगी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक पेयर की रेस्पेक्ट में देखने जा रहे हैं कि अगर हमने ये दो लैग्रांजे मल्टीप्लायर चूज किए हैं तो अब ये कैसे अपडेट होंगे, मेकिंग श्योर कि कंस्ट्रेंट वॉलेट नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर गाइस। चलिए देखते हैं। तो गाइस अब हमने क्या किया कि क्योंकि हमें इन दोनों को अपडेट करना है तो इन दोनों को हमने अपने सम वाली इक्वेशन में से अलग कर लिया, कंस्ट्रेंट में से अलग कर लिया, और बाकी के जो हमारे जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स थे वो तो कांस्टेंट हमने रख दिए थे। तो इसका मतलब ये एक नंबर आ रहा होगा, एक कांस्टेंट आ रहा होगा, क्योंकि गाइस बाकी के जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं वो अभी भी अपनी इनिशियल वैल्यूज पे हैं। ठीक है, हमको इनको चेंज करना है, इन दोनों लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को चेंज करना है, इनको इन दोनों लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को इस तरीके से चेंज करना है कि इनकी इसकी फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस इसकी फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई C2 वो अभी भी इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। और गाइज अब ये पॉसिबल है क्योंकि हम अब दो को हैंडल कर रहे हैं, एक को चेंज नहीं कर रहे हैं। एक को चेंज करने पर पहले ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब दूसरे को हम बिल्कुल वैसे बदलेंगे कि हमारा कंस्ट्रेंट वॉलेट ना हो। सो
गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है हमारी वो फिक्स है, वो एक कांस्टेंट है, तो हम उस कांस्टेंट को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, साई से। ठीक है, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, ये एक नंबर आएगा बेसिकली, तो उस नंबर को हम साई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं गाइस। ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस होल सम विद साई, साई इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट वैल्यू, सम नंबर। सो लैम्डा वन इनिशियल प्लस, सॉरी, लैम्डा वन इनिशियल इनटू सी वन प्लस लैम्डा टू इनिशियल इनटू सी टू इक्वल टू साई। ओके, ऐसा सीन होना चाहिए गाइस। और अब हमें लैम्डा वन इनिशियल को और लैम्डा टू इनिशियल को लैम्डा वन फाइनल और लैम्डा टू फाइनल में इस तरीके से चेंज करना है गाइस कि ये साई लैम्डा वन फाइनल इंटू सी वन प्लस लैम्डा टू फाइनल इंटू सी टू के बराबर होना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रेंट लैम्डा वन इनिशियल को अगर आप लैम्डा वन फाइनल में चेंज करते हो और लैम्डा टू इनिशियल को अगर आप लैम्डा टू फाइनल में चेंज करते हो, फिर भी ये जो चीज़ है ये साई के बराबर ही रहनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंस्ट्रेंट वॉलेट नहीं होने दे रहेगा इसमें। ठीक है, ये है हमारा ओवरऑल मोटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइज कि अब हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये साई है गाइज हमारे पास, और अब हम एक काम करते हैं कि अभी गाइज ये है हमारा लैम्डा वन सी वन प्लस लैम्डा टू सी टू इक्वल टू साई। अभी हम यहाँ पे कुछ इनिशियल फाइनल नहीं ले रहे हैं, बस ये दो वेरिएबल्स हैं गाइज, क्योंकि ये तो चेंज होंगे, इनको तो बदलना पड़ेगा, और सी वन सी टू है कॉन्स्टेंट, जहाँ पे सी वन हमारे पहले एग्जाम्पल का क्लास लेबल है जो -1 या +1 में से कुछ भी हो सकता है, और गाइस सी टू भी हमारे सेकेंड एग्जाम्पल का क्लास लेबल है जो -1 +1 में से कुछ भी हो सकता है। लैम्डा वन लैम्डा टू यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि लैम्डा टू सी टू इक्वल्स टू साई माइनस लैम्डा वन सी वन एंड देन लैम्डा टू इक्वल्स टू साई डिवाइडेड बाई सी टू माइनस लैम्डा वन इंटू सी वन बाई सी टू एंड देन इफ़ यू डू सम कंपैरिजन, तो गाइज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो सी है वो साई बाई सी टू आ रहा है। बाय द वे गाइज, ये सी हमारा रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर नहीं है, ये वाई इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस पे हमने जो वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है वो लैम्डा वन है, और जो स्लोप आ रही है गाइज वो -C1/C2 की फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ये एक लाइन की इक्वेशन आ रही है, जहाँ पे लैम्डा टू वाई एक्सिस पे आ रहा है, लैम्डा वन एक्स एक्सिस पे आ रहा है, साई ओवर सी टू सी का काम कर रहा है और -C1/C2 स्लोप का काम कर रहा है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ रही है। y एक्सिस पे लैम्डा टू है, x एक्सिस पे लैम्डा वन है गाइस। ठीक है, अब जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि भले लैम्डा टू हो, भले लैम्डा वन हो, भले लैम्डा थ्री हो, भले लैम्डा फोर हो, भले लैम्डा एन हो, किसी भी एग्जाम्पल का लग्रांजे मल्टीप्लायर जीरो से सी के बीच में ही लाई करना चाहिए। ये हमने अपना कंस्टेंट मॉडिफाई किया था, जो कि हार्ड मार्जिन के केस में ये था गाइज। हार्ड मार्जिन के केस में हमारे लग्रांजे मल्टीप्लायर के ऊपर कोई अपर बाउंड नहीं था। जब हमने सॉफ्ट मार्जिन के केस में पेनल्टी वाला टर्म इंट्रोड्यूस किया, रेगुलराइजेशन वाला टर्म इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ पे हमारा सी यानी कि रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ। और अब हमारा जो कंस्टेंट है गाइज वो मॉडिफाई हो करके ऐसा बन गया है हर लैग्रांज मल्टीप्लायर के लिए। अब अगर हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए मान लें कि हमारे दो वेरिएबल्स हैं, लैम्डा टू वाई एक्सिस पे है, लैम्डा वन एक्स एक्सिस पे है, और अगर हम उनको प्लॉट करें कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हमारा लैम्डा वन एक्स एक्सिस पे है, लैम्डा टू वाई एक्सिस पे है, और गाइज आप क्लियरली जानते हो कि लैम्डा टू की वैल्यू भी सी से ऊपर नहीं जा सकती, जीरो से नीचे नहीं जा सकती, और लैम्डा वन की वैल्यू भी सी से ऊपर नहीं जा सकती और जीरो से नीचे नहीं जा सकती, तो इन दो कंडीशंस का हम यूज करके एक बॉक्स बना देते हैं और सी की वैल्यू गाइस पॉजिटिव होगी।
इसका मतलब ये है कि लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यूज इन बॉक्स के अंदर ही लाई करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा वन और लैम्डा टू को हमें इस तरीके से अपडेट करना है कि वो पहले कंस्ट्रेंट को तो सेटिस्फाई करें ही करें, बट एट द सेम टाइम जो उनकी अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो इस बॉक्स में ही लाई करनी चाहिए, इस बॉक्स से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस बॉक्स से बाहर जाती हैं तो सेकंड कंस्ट्रेंट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग गाइज, ठीक है। लेट्स सी कि अब क्या है बेसिकली हमारे साथ जो पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हो कि हमारे पास सी के अलावा लैम्डा टू पे दो वैल्यूज और हैं, एच और एल। एक है हायर वैल्यू, एक है लोअर वैल्यू, ठीक है गाइज। लोअर वैल्यू क्या होगी और हायर वैल्यू क्या होगी? अब आप कहोगे लोअर वैल्यू हायर वैल्यू हमें पता तो है, लैम्डा किसी भी लैम्डा पे जो लोअर वैल्यू होगी वो जीरो होगी और हायर वैल्यू होगी वो सी होगी। तो अब आप ये एच और एल ला करके एक्स्ट्रा हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जबकि हम पहले से जानते हैं कि जीरो एल हो जाएगा लोअर वैल्यू, सी एच हो जाएगा हायर वैल्यू, कोई भी लग्रांजे मल्टीप्लायर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। गाइज मैं आपकी बात से फुल्ली एग्री करता हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये वो एल और एच नहीं है जो आप सोच रहे हो, इट इज समथिंग एल्स, ओके। ये वो एल और एच नहीं है जो आप सोच रहे हो, इट इज समथिंग एल्स, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एल और एच बेसिकली किस लिए यूज आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इस लाइन का एक जनरल विजुलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ कि गाइस हमारी जो लाइन होगी वो मान लीजिए कुछ ऐसी है, दैट इज अवर लाइन। यानी कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये इस लाइन की इक्वेशन है, ब्लू लाइन की इक्वेशन है, ओके। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। ये हमारी इक्वेशन थी लैम्डा वन सी वन प्लस लैम्डा टू सी टू इक्वल टू साई। गाइज मान लीजिए जो हमारा सम आया वो 5 के इक्वल आया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से द सम इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, हमारा आंसर आया लैम्डा टू इक्वल टू 5 बाई सी टू माइनस लैम्डा वन सी वन बाई सी टू, ओके। मान लीजिए कि पहले एग्जाम्पल का जो क्लास लेबल था वो -1 था और सेकंड एग्जाम्पल का क्लास लेबल +1 था, ठीक है। ये वैल्यूज हमने रखी, ये हमारा आंसर आ रहा है गाइस, लैम्डा टू इक्वल्स टू 5 प्लस लैम्डा वन एम एक्स प्लस सी, ठीक है गाइस। अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी इस लाइन को प्लॉट करते हैं, ठीक है, और अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे गाइस कि ये कंस्ट्रेंट जो है ये कैसे आया है, ठीक है। अब आप देखिए गाइस यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ठीक है। लैम्डा वन जो है वो अब जीरो, सी की वैल्यू कितनी थी 5, सी की वैल्यू 6 थी, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे आपको सी की वैल्यू दिखा देता हूँ गाइस कि यहाँ पे सिनेरियो क्या है, क्योंकि सी की वैल्यू भी हमने फिक्स नहीं करी है। तो गाइस हम मान लेते हैं कि जो सी की वैल्यू थी वो 6 थी, ये देखिए आप बॉक्स बन रहा है 6 पे, तो हमने सी की वैल्यू रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर की वैल्यू को हमने थोड़े समय के लिए 6 ले लिया, आपको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि ना तो लैम्डा टू आपका 6 से ऊपर जा सकता है, ना 0 से नीचे जा सकता है, ना लैम्डा वन आपका 6 से ऊपर जा सकता है, ना 0 से नीचे जा सकता है। मतलब लैम्डा वन और लैम्डा टू को इस बॉक्स में ही रहना है अपडेट होने के बाद भी, फाइनल वैल्यूज में कन्वर्ट होने के बाद भी, ओके। वेरी गुड, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे गाइस तो वो लाइन कुछ ऐसी आएगी। कैसे? लैम्डा वन को अगर आप 0 कर देंगे तो आपका जो लैम्डा टू आएगा वो 5 पे आएगा, ओके। अगर आप लैम्डा वन को 0 कर देंगे तो आपका जो लैम्डा टू आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि गाइज अगर हम लैम्डा वन को यहाँ 0 कर दें तो लैम्डा टू इज एक्चुअली इक्वल्स टू 5। लैम्डा टू को अगर आप 0 कर देंगे तो लैम्डा वन
गाइस आपका क्या आएगा, ओके सॉरी 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 गाइस, मैं यहाँ पे अपने शब्द वापस लेता हूँ। लैम्डा वन को अगर आप जीरो कर देंगे तो लैम्डा टू क्या आएगा गाइस, फाइव आएगा। मतलब लैम्डा वन को अगर आपने जीरो किया तो लैम्डा टू आपका फाइव आ रहा है, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। और गाइस लैम्डा वन को अगर मैं वन कर दूं तो लैम्डा टू इज एक्चुअली इक्वल टू सिक्स, यानी कि ये। तो गाइस हमारी लाइन, ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये हमारी लाइन पे लाई कर रहे होंगे, ओके। ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारी लाइन पे लाई कर रहे होंगे गाइस। ये पॉइंट हो जाएगा 0.5, ये पॉइंट हो जाएगा 1.6, ठीक है। इस लाइन पे लाई करने वाले और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं गाइस इस लाइन पे लाई करने वाले। लेकिन गाइस आप बेसिकली ये रीजन नहीं ले सकते इस लाइन का, क्योंकि अगर आप ये रीजन लेते हो इस लाइन का तो इस रीजन पे लाई करने वाले लैम्डा वन और लैम्डा टू की वो वैल्यूज होंगी जो बॉक्स से बाहर लाई कर रही हैं। और गाइस आप अपनी लाइन पे ये रीजन नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि इस रीजन पे भी लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपके बॉक्स से बाहर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स लैम्डा वन कॉमा लैम्डा टू आपकी लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, जो नीचे वाले रीजन में लाई कर रहे हैं इस रीजन में, लेकिन गाइस ये बॉक्स से बाहर हैं। ये वाले पॉइंट्स भी आप जो देख रहे हैं अपर वाले रीजन में, वो भी लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं अपर रीजन में, वो भी हमारी लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि वो भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन गाइस वो बॉक्स से बाहर लाई कर रहे हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है गाइस कि वन थिंग इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम हेयर, कि अगर आप लैम्डा वन को वन से ज्यादा कर दोगे, जैसे मान लीजिए आपने लैम्डा वन को टू कर दिया, तो लैम्डा टू कितना आएगा गाइस, सेवन, यानी कि सी से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सी को हमने सिक्स रखा हुआ है। लेकिन गाइस सिक्स से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता लैम्डा टू, क्योंकि बॉक्स कंस्ट्रेंट्स हमें फॉलो करने हैं, वॉलेट नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से गाइस अगर आप लैम्डा और लैम्डा वन को आप जीरो ले नहीं, लैम्डा वन को आप माइनस वन ले नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो हर लैग्रांजे मल्टीप्लायर की होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, जीरो से कम नहीं हो सकती। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है गाइस कि लैम्डा वन आपका जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, और अगर आप लैम्डा वन को जीरो लेते हो तो लैम्डा टू की मिनिमम वैल्यू आ रही है फाइव, और लैम्डा वन को अगर आप वन लेते हो तो लैम्डा टू की आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सिक्स। तो इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम हेयर गाइज कि जो लैम्डा वन और लैम्डा टू का जो लोअर और हायर वैल्यूज हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं हम। तो गाइज ये लैम्डा वन का एल हो जाएगा, ये लैम्डा वन का एच हो जाएगा, ये लैम्डा टू का एल हो जाएगा, और ये लैम्डा टू का एच हो जाएगा, ओके, डिपेंडिंग। तो इसका मतलब ये है गाइज कि हर लैग्रांजे मल्टीप्लायर का जो लोअर और अपर बाउंड है वो ये नहीं रहेगा, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि आपका साई चेंज हो रहा है, यानी कि फाइव जो आपका सम है वो चेंज हो रहा है, ओके, सो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप लैम्डा वन को जीरो से वन के बीच में ही ले सकते हो और लैम्डा टू को फाइव से सिक्स के बीच में ही ले सकते हो। तो जब आपने ये कंस्ट्रेंट लगाया तो इसका मतलब ये है कि आप इस कंस्ट्रेंट में आ गए हो, यानी कि लैम्डा वन इससे आगे नहीं जा सकता और लैम्डा टू इससे ऊपर नहीं जा सकता। सो ड्यू टू दिस कंस्ट्रेंट व्हाट हैपेंड इज दैट गाइज कि आपकी जो लाइन थी, जो ऊपर और लोअर पोर्शन था गाइज, अपर और लोअर पोर्शन था हमारी लाइन का, वो हमने कट कर दिया। इसका मतलब नाउ आवर न्यू अपडेटेड वैल्यूज, ओके, यानी कि अगर हम अपने लैम्डा वन और लैम्डा टू को चेंज करते हैं तो वो इतने पोर्शन में ही लाई करनी चाहिए वो वैल्यूज, यानी कि अगर गलती से हमारा लैम्डा वन अगर वन से ऊपर जाने की कोशिश करता है या जीरो से नीचे जाने की कोशिश करता है, या फिर लैम्डा टू सिक्स से ऊपर जाने की कोशिश करता है या फाइव से नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हमें पता चल जाएगा गैस, क्योंकि अब हमने ये वैल्यूज निकालनी है, ओके।
एंड दीज वैल्यूज विल कंटिन्यूसली वेरी। यानी कि अगर आप दोबारा से कभी लैम्डा वन और लैम्डा टू को लेकर के री ऑप्टिमाइज करना चाहो अपने ड्यूअल लैग्रांजियन फंक्शन को, तो हो सकता है कि अब आपकी ये वैल्यूज दोबारा से चेंज हो गई हो क्या सकता है गाइज, होंगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज योर साई विल चेंज, बिकॉज ऑल द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स आर चेंजिंग। और गाइज ये जो साई है ये आपके रिमेनिंग लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स के सम से बना हुआ है, तो अगर आपने अपने रिमेनिंग लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स को चेंज किया है तो आपका साई भी चेंज होगा, साई चेंज होगा तो लोअर और अपर बाउंड भी चेंज होगा। ओके सो दिस इज वॉट योर एल एंड एच इज। ओके ओके लेट्स कंटिन्यू गाइज। तो अब हमें पता है कि लैम्डा टू के साथ लैम्डा वन जो है वो जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, लैम्डा टू जो है वो जीरो फाइव से सिक्स के बीच में लाई करना चाहिए। एंड नाउ व्हाट यू विल डू इज कि अब आप अपने सम को ओपन करोगे तो आपका जो सम आएगा गाइज वो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस सम कांस्टेंट आएगा, क्योंकि बाकी के जो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर हैं वो तो आपने कांस्टेंट कर रखे हैं। और अगर आप अपने आगे वाले इस डबल सम को ओपन करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस हाफ लैम्डा वन लैम्डा टू सी वन सी टू एक्स वन ट्रांसपोज एक्स टू प्लस लैम्डा टू लैम्डा वन सी टू सी वन एक्स टू ट्रांसपोज एक्स वन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है गाइज ये सीन हो गया आपके साथ। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं गाइज कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमें एक्सप्रेशन पता है कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन, तो हमने लैम्डा वन की जगह पे लैम्डा टू प्लग इन कर दिया, यानी कि लैम्डा वन इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा टू माइनस फाइव, और इसको हमने गाइस प्लग इन कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि हमने इस इक्वेशन को प्योरली लैम्डा टू की फॉर्म में बना लिया, यानी कि लैम्डा वन की जगह पे हमने लैम्डा टू माइनस फाइव कर दिया प्लस लैम्डा टू प्लस कॉन्स्टेंट माइनस हाई माइनस हाफ लैम्डा वन की जगह पे, यहाँ पे हमने बेसिकली ये का स्क्वायर ब्रैकेट है, लैम्डा वन की जगह पे हमने लैम्डा टू माइनस फाइव कर दिया, लैम्डा टू आ रहा है, फिर यहाँ पे भी हमने लैम्डा वन की जगह पे लैम्डा टू माइनस फाइव कर दिया प्लस कॉन्स्टेंट। ओके एट समथिंग लाइक दैट। ठीक है गाइज ओके नाउ व्हाट हैपेंस। तो गाइज जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो ये हमारा कुछ इस तरीके की चीज आ रही है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है गाइज, क्योंकि यहां से लेकर के ये वाली चीज आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि सी वन सी टू आप जानते हैं, फर्स्ट एग्जांपल का फीचर वेक्टर आप जानते हैं, सेकंड एग्जांपल का फीचर वेक्टर आप जानते हैं, तो एक्स वन ट्रांसपोज एक्स टू एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फाइव सी वन सी टू एक्स वन ट्रांसपोज एक्स टू प्लस टू ये भी एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लैम्डा टू स्क्वायर लैम्डा टू प्लस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब गाइज ये जो इक्वेशन आ रही है हमारी ये कुछ इस फॉर्म की आ रही है, ए इंटू लैम्डा टू स्क्वायर प्लस बी इंटू लैम्डा टू प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब गाइज आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या तो आप डेरिवेटिव लेके जीरो के बराबर रख लीजिए तो आपको लैम्डा टू की दो वैल्यूज मिलेंगी, और उसमें से देख लीजिए कि कौन सी लैम्डा टू की जो वैल्यू है आपकी वो प्रॉपर रेंज में लाई कर रही है, जो भी वैल्यू आपकी प्रॉपर रेंज में लाई कर रही है उसको आप चूज कर लीजिए, वो आपकी अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम भी चला सकते हैं, आई मीन ग्रेडियंट एसेंट स्टेप भी चला सकते हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कोऑर्डिनेट एसेंट स्टेप भी चला सकते हैं, यानी कि लैम्डा टू फाइनल इक्वल्स टू लैम्डा टू इनिशियल माइनस एप्सिलॉन टाइम्स डेल बाय डेल लैम्डा टू, और गाइज हम इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये कांस्टेंट है ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर इस डेरिवेटिव को हम इवेल्युएट कर लेंगे, लैम्डा टू इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा टू इनिशियल। तो इसका मतलब ये जब आप इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और जब आप इसके अंदर लैम्डा टू इनिशियल की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये डेरिवेटिव आपके पास एक नंबर आएगा, एप्सिलॉन कुछ वैल्यू ली होगी आपने स्टेप साइज की, लैम्डा टू इनिशियल आपको पता ही था जीरो है, और गाइज लैम्डा टू फाइनल आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आप ये चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैम्डा टू आपका जो है इस कंस्ट्रेंट से बाहर जा रहा है। ओके कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आपका जो
लैम्डा टू है वो इस कंस्ट्रेंट से बाहर जा रहा है। तो गाइज लैम्डा टू फाइनल अब आपका कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपका लैम्डा टू फाइनल 5 से नीचे जा रहा है तो आप उसे 5 बना देंगे, 6 से ऊपर जा रहा है तो आप उसे 6 बना देंगे, और अगर गाइस 5 और 6 के अंदर है ये तो उसे वही वैल्यू रहने देंगे जो भी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से आपका लैम्डा टू फाइनल निकल आया गाइस, ठीक है, यहाँ से आपने अपना लैम्डा टू फाइनल निकाल लिया। तो अब गाइस हम लैम्डा टू फाइनल तो हमने निकाल लिया, और वो लैम्डा टू फाइनल आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे गाइस हमने क्या बता रखा है कि आप इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लीजिए, सिंपली डेरिवेटिव निकाल के 0 के बराबर रख दीजिए और उससे आपको लैम्डा टू न्यू मिल जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। या फिर आप सिंपली इसके ऊपर कोऑर्डिनेट एसेंट का स्टेप लगा दीजिए, जो भी मैंने आपको लगा करके दिखाया, ठीक है। तो गाइज अगर आपकी लैम्डा टू न्यू की वैल्यू एच से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 6 से ज़्यादा हो जाती है, या एल से कम हो जाती है यानी कि 5 से कम हो जाती है, तो गाइज हम क्या करेंगे, क्लिप ऑफ कर देंगे। यानी कि अगर लैम्डा टू न्यू की जो वैल्यू जो अभी अभी आपने निकाली है कोऑर्डिनेट एसेंट स्टेप से या डेरिवेटिव को 0 रख करके, वो अगर 5 से नीचे चली जाती है तो आप उसे 5 बना दोगे, अगर एच से ऊपर चली जाती है तो आप उसे 6 बना दोगे, 6 से ऊपर चली जाती है तो 6 पे ले आओगे, 5 से नीचे चली जाती है तो 5 पे ले आओगे, और अगर 5 और 6 के बीच में है तो वही छोड़ दोगे गाइस जो वैल्यू आ रही है आपकी, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट नहीं ब्रेक हो रहा। हम क्लिप ऑफ तभी करेंगे जब कंस्ट्रेंट ब्रेक हो रहा हो, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपने बेसिकली जो है वो अपनी लैम्डा टू की वैल्यू निकाल ली, और ये कंडीशंस हैं लैम्डा टू की वैल्यू को पता लगाने के लिए कि अगर एच से ज़्यादा आ रही है तो एच पे ले आएंगे, एल और एच के बीच में आ रही है तो लैम्डा टू न्यू ही रखेंगे, और अगर एल से कम आ रही है तो एल पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने लैम्डा टू न्यू की वैल्यू निकाल ली, अब आप लैम्डा वन कैसे निकालोगे, क्योंकि अब हमें लैम्डा वन न्यू की वैल्यू भी निकालनी है। तो गाइज इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि हम जानते हैं बात बहुत अच्छे से, क्या हमें अपने दोनों लैम्डास को इस तरीके से अपडेट करना था कि अपडेट करने के बाद भी, यानी कि लैम्डा वन फाइनल प्लस सॉरी लैम्डा वन फाइनल इंटू सी वन ओके प्लस लैम्डा टू फाइनल इंटू सी टू शुड बी इक्वल टू साई, एंड दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल्स टू लैम्डा वन इनिशियल इंटू सी वन प्लस लैम्डा टू इनिशियल इंटू सी टू। इसका मतलब ये है गाइज कि जब आपकी दोनों इनिशियल वैल्यूज थी, और उस समय जब आपका लैम्डा वन इनिशियल इंटू सी वन प्लस लैम्डा टू इनिशियल सी टू का आंसर साई आ रहा था, तो अपडेट होने के बाद भी अगर आप सेम एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हो तो भी आपका आंसर साई ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कंसेंट वॉयलेट नहीं हो रहा, आपने कंसेंट को मेंटेन रखा हुआ है। तो गाइज अब हमें इसका मतलब ये है कि अगर हम बीच में से साई हटा दें तो हम अब ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, कि लैम्डा वन फाइनल इंटू सी वन प्लस लैम्डा टू फाइनल इंटू सी टू इज इक्वल टू लैम्डा वन इनिशियल इंटू सी वन प्लस लैम्डा टू इनिशियल इंटू सी टू। एंड गाइज इस पूरी इक्वेशन में हमें सब कुछ पता है एक्सेप्ट फॉर लैम्डा वन फाइनल, ओके, लैम्डा वन इनिशियल हम जानते हैं, ओके गाइज लैम्डा टू इनिशियल भी हम जानते हैं, सी वन भी हम जानते हैं, सी टू भी हम जानते हैं, यहाँ पे सी टू भी हम जानते हैं, सी वन भी हम जानते हैं, लैम्डा टू फाइनल भी अभी हम जानते हैं, जो भी हमने यहाँ से निकाली है इस कंडीशन का यूज़ करके, ठीक है। और गाइज अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा वन फाइनल निकाल लेंगे। इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन है और एक इक्वेशन है, आराम से आप लैम्डा वन फाइनल निकाल सकते हो। अब आपने यहाँ से लैम्डा वन फाइनल निकाल लिया, अब गाइज लैम्डा वन फाइनल के साथ भी आप कुछ ऐसा ही करोगे, यानी कि अगर आपकी लैम्डा वन फाइनल की वैल्यू 1 से ज़्यादा जा रही होगी तो आप उसे नीचे ले आओगे 1 पे, अगर 0 से नीचे जा रही होगी तो आप उसे 0 पे ले आओगे, लेकिन अगर वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी तो आप उसे 0 से 1 के बीच में ही रखोगे, और गाइज ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 नहीं है, लैम्डा 1। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों लैम्डास को अपडेट कर लिया, ठीक है, कंस्ट्रेंट भी ब्रेक नहीं हुआ, ना बॉक्स कंस्ट्रेंट ब्रेक हुआ, ना सम वाला कंस्ट्रेंट ब्रेक हुआ, और हमारे दोनों लैम्डास अपडेट हो गए, ठीक है गाइस।
लेकिन ये दो लैम्डाज वो लैम्डा थे जिनको अपडेट करने पर हमें अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने की प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा स्पीड मिल रही थी, तभी हमने इन दोनों को चूज़ किया। अब गाइज हमने इन दोनों को अपडेट कर दिया है, अब आप इन दोनों को अपडेट करके वापस इनकी अपडेटेड वैल्यूज़ को आप इफेक्ट में ले आइए, यानी कि वापस प्लग इन कर दीजिए। अब इनको आप साइड कर दीजिए, अब आप दो और नए लैम्डास पिकअप करोगे, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया चूज़ करोगे, फिर इनको भी अपडेट करोगे, जैसे अभी हमने लैम्डा वन और लैम्डा टू को अपडेट किया इस पूरे प्रोसेस में। फिर आप दो और लैम्डास लोगे, फिर उनको भी अपडेट करोगे, और ऐसे करते करते गाइज जब तक आपके सारे लैम्डास अपडेट नहीं हो जाते हैं तब तक आप ये प्रोसेस जारी रखोगे। एक बार आपके सारे लैम्डास अपडेट हो गए, उसके बाद आप ये चेक करोगे कि कहीं केकेटी कंडीशंस तो नहीं वॉयलेट हो रही हैं। तो गाइज अगर आपकी केकेटी कंडीशंस विद इन सम टॉलरेंस वॉयलेट हो रही होंगी, तो आप अपना बाहरी वाला जो लूप है, यानी कि आउटर वाइल लूप जो है कन्वर्जेंस वाला, उसको चलाओगे, ठीक है, फर्दर ऑन आप उसे रन करोगे, ठीक है, फिर आप दोबारा से ये पूरा प्रोसेस चालू करोगे, यानी कि फ्रॉम द स्क्रैच फिर आप एक एक पेयर उठाओगे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स के, फिर सबको अपडेट करोगे, फिर आप चेक करोगे कि कहीं केकेटी कंडीशंस तो नहीं वॉयलेट कर रही हैं विद इन सम टॉलरेंस। अगर ऐसा हो रहा है, आपका जो कन्वर्जेंस वाला लूप है वो अभी भी चलेगा। एक समय आने पर गाइज आपकी केकेटी कंडीशंस नहीं वॉयलेट कर रही होंगी विद इन सम टॉलरेंस, एंड यू विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। आपको आपके सारे लग्रांजे मल्टीप्लायर्स पता चल चुके होंगे, एक बार आपको आपके सारे लग्रांजे मल्टीप्लायर्स पता चल गए, तो आप वहाँ से थेटा हैट निकाल लोगे यूजिंग द फॉर्मूला आई इक्वल्स टू 1 to n लैम्डा आई फाइनल इंटू सी आई इंटू एक्स आई, यानी कि जो भी आपने फाइनल वैल्यूज वाइल लूप के कन्वर्जेंस वाले वाइल लूप से ब्रेक होके निकाली होंगी, उन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करके आप थेटा हैट निकाल लेंगे। और गाइस फिर अब इस थेटा हैट से हम थेटा हैट 0 भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, जो कि एक सस्पेंस है जो हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो आप सोचिए कि क्या सस्पेंस है, ठीक है। और अगर आप सही में ये जानना चाहते हैं कि वो थेटा हैट 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो गाइज उसके लिए आप मोस्ट वेलकम है, जस्ट नेविगेट टू अवर वेबसाइट, टेक अवर कोर्स फॉर 15 डेज, फ्री साइन अप, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, वॉच अवर लेक्चर्स, 500 आवर्स ऑफ कंटेंट विद फुल एक्सेस फॉर 15 डेज, ओके, इट्स टोटली फ्री गाइज, ओके। सो विद दिस डिस्कशन हम बहुत ही एंथुजियाज़म के साथ अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन की जो कंप्लीट सीरीज़ है वो एंड करते हैं, और गाइस जो साइकिटलर्न में हम करते हैं बेसिकली, यानी कि जब आप अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम को साइकिटलर्न में ट्रेन करवाते हैं, तो एक्चुअली आपका जो साइकिटलर्न एल्गोरिदम है दैट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू सिंपली फाइंड आउट द लग्रांजे मल्टीप्लायर्स इन वन वे और द अदर, ठीक है, इट इज़ सिंपली ट्राइंग टू फाइंड द लग्रांजे मल्टीप्लायर्स। एक बार उसे सारे लग्रांजे मल्टीप्लायर्स पता चल जाते हैं, देन इट कैन ईजिली कैलकुलेट द थेटा हैट्स, सॉरी थेटा हैट एंड थेटा हैट 0, और वो पैरामीटर्स निकाल के आपको दे देता है, ओके। दैट इज़ अनदर स्टोरी गाइज, कि आपको बेसिकली साइकिटलर्न में ऐसा कुछ होता हुआ फ्रंट एंड पे शो नहीं होता है, बट डेफिनेटली आई कैन से दिस थिंग दैट इन वन वे और द अदर व्हेन यू ट्रेन सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम ऑन द बेसिस ऑफ साइकिटलर्न, देन ऑल व्हाट साइकिटलर्न इज डूइंग इज इट इज सिंपली ट्राइंग टू फाइंड ऑल द लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स ऑफ अ डुअल लेग्रांजियन फंक्शन सच दैट दे आर सेटिस्फाइंग बोथ द कंस्ट्रेंट्स, बॉक्स कंस्ट्रेंट और समेशन वाला कंस्ट्रेंट, थ्रू सम एल्गोरिदम लाइक कोऑर्डिनेट एसेंड एल्गोरिदम। और गाइज एक बार वो लग्रांजे मल्टीप्लायर्स साइकिटलर्न निकाल लेता है, उसके बाद वो आपको सीधा थेटा हैट निकाल के कैलकुलेट करके दे देता है, और उस थेटा हैट की हेल्प से वो थेटा हैट 0 भी कैलकुलेट करके आपको शो कर देता है।
ठीक है, तो ऑल यू सी एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन यूजिंग साइकिटलर्न इज जस्ट द पैरामीटर्स। तो पीछे आपको पता ही नहीं चल पाता है बैकग्राउंड में कि क्या हो रहा है, बट गाइज देर इज़ अ ह्यूज स्टफ गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। ओके, सो विद दिस आई रियली लाइक टू बेसिकली थैंक्स ऑल ऑफ यू हु हैव बीन पेशेंट विद दीज लेक्चर्स, और खास करके मैं उन लोगों का बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन जो लास्ट लेक्चर तक आके, जिन्होंने इस लास्ट लेक्चर तक इस पूरी सीरीज़ को देखा है और इस पूरी सीरीज़ के साथ साथ चलते रहे। ओके, सो विद दैट आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू गाइज एंड वाइंड अप दिस कम्प्लीट सीरीज़ ऑन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बिहाइंड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिदम। थैंक यू गाइज।